यम्मी यम्मी डोनट्स, यम्मी यम्मी डोनट्स। आप सोच रहे होगे ना कि आज मैं डोनट्स क्यों दिखा रही हूँ आपको। टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपके साथ डोनट्स की रेसिपी ही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है, बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो मैंने आज ये डोनट्स की जो रेसिपी है ख़ास बच्चों के लिए ही बनाई है। इस वीडियो की सहायता से आप इस डोनट्स को बहुत ही आसानी से घर में बना के खिला सकते हो अपने बच्चों को। बच्चे बहुत ही चाव से इसे खाएंगे, इसे पसंद भी करेंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इसे खा के देखिएगा, आपको भी शायद अच्छी लगे। तो हमने यहाँ पे तीन टाइप के डोनट्स बनाए हैं, दो तो हमने सिंपल ही रखा है और चार को हमने डेकोरेट किया है। तो दो हमने व्हाइट चॉकलेट से बनाया, उसके ऊपर हमने ब्राउन चॉकलेट को लगा दिया है, और दो हमने ब्राउन चॉकलेट का डोनट्स बना के उसके ऊपर व्हाइट से डेकोरेट कर दिया है। आप भी इस तरीके से बना के खा सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये जो डोनट्स तैयार किए हैं इसमें हमने ना तो अंडे का यूज़ किया है और ना ही हमने इसमें खमीर लाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया है। हमने इसे नॉर्मली घर में दूध दही मक्खन इन्हीं की सहायता से इन्हें तैयार किया है। आप भी इजीली इन्हें घर में फटाफट कभी भी बना सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई सामान आपको बाहर से लाना है। इसमें जो भी सामान का यूज़ हमने किया है वो इजीली आपके घर में तो होंगे ही, और अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो ये सामान तो बिल्कुल ही होंगे आपके घर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। और हाँ, रेसिपी देखने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल के आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिलते रहें। डोनट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कप मैदा, तो इसे हम छानना होगा हमें इसे, तो इसे हमने छलनी में डाल दिया है। अब इसी कप से हम आधा कप शुगर पाउडर लेंगे। यहाँ पे हमने शुगर पाउडर लिया है, चीनी को हमने पीस लिया है, यहाँ पे हमने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले लिया है, और ये है दही, और यहाँ पे हमने लिया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बटर, वाइट चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट। तो सबसे पहले हमें इसके लिए आटा तैयार करना होगा। तो इसका जो डो तैयार करेंगे हम, उसमें हमें मैदा, चीनी, दही और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये जो हम आटा गूंथेंगे उसके लिए हमें दूध की ज़रूरत है, यानी कि इस आटे को हम दूध से गूंथेंगे। और इसमें हम बटर भी ऐड करेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा ऑयल जो जिसमें महक ना हो, या आप इसके जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो आपको इस डो में हल्का सा नमक भी ऐड करना होगा, एक चौथाई छोटे चम्मच नमक ऐड करना होगा आपको। लेकिन मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर लिया है, यानी इस बटर में सॉल्ट की मात्रा पहले से ही है, तो इसलिए आज मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चलिए इसके लिए डो तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने इस छन्नी में एक कप मैदा ऐड किया है, और अब इसी में हम जिस कप से हमने मैदा डाला था उसी कप से हम आधा कप चीनी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल आधा कप चीनी लिया है यहाँ पे, ये हमने ले लिया है आधा कप शुगर पाउडर, तो इसे भी हम छलनी में डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से छान लेंगे। इसमें अभी हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को भी ऐड करना है, तो चलिए इन्हें भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ, आधा छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और इसी चम्मच से हम एक चौथाई चम्मच, यानी कि एक चौथाई छोटे चम्मच हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ करना है। बेकिंग सोडा कम ही यूज़ करना है हमें, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इन्हें अच्छे से छान लेंगे। हमने इन्हें छान लिया है, और अब हमें इसमें
दही ऐड करना है, तो हमने बिल्कुल फ्रेश दही ली है, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच दही ऐड कर दे रही हूँ। और अब हमें हमारे पास ये जो बटर है इसे हम हल्का सा मेल्ट करके इसी चम्मच से 2 चम्मच बटर ऐड करेंगे। हमने बटर को मेल्ट कर लिया है और हम 2 चम्मच बटर इसमें ऐड करेंगे। तो ये 2 चम्मच बटर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इन्हें अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसका डो तैयार करेंगे। हमारा ये जो डो है ये बिना दूध के यूज़ के ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर दूध की ज़रूरत ना हो तो आप इसमें दूध मत ऐड करिए। और अगर थोड़ा कड़ा लग रहा है, क्योंकि हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो आप इसमें हल्का सा दूध यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा दूध ले रही हूँ डो को चिकना करने के लिए। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। अगर आप दही की मात्रा थोड़ा और कम कर दें तब आप दूध को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही ऐड किया है। दही मेरी बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश दही थी। बहुत ज़्यादा खट्टी दही भी आप यूज मत करो। और इन्हें अब हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। आप इसमें हल्का सा बटर लगा के आटे को अपने चिकना भी कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा डो काफ़ी सॉफ्ट तैयार हुआ है। हमें जो डो तैयार करना है वो सॉफ्ट तैयार करना है, बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं तैयार करना और ना ही बहुत ज़्यादा गीला। तो अब हमें इसके डोनट्स बनाने हैं, तो हम थोड़ा सा मैदा ले लेंगे और इसकी मदद से डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो इन्हें हमें पहले बेल लेना होगा। यहाँ पे पहले मैंने हल्का हल्का मैदा लगा दिया है और अब इसके ऊपर ये हमारा जो डो है इसे सॉफ्ट कर लेते हैं हाथ की सहायता से। आप देख सकते हैं हमारा डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए इसे अब बेल लेते हैं। हमें इसे रोटी की तरह बेलना है, लेकिन मोटा बेलना है, पतला नहीं बेलना है। हमें इसे 1/2 से 1.25 इंच तक की मोटाई रखते हुए हमें इन्हें तैयार करना है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए। और अब हम इसे बेल लेंगे।
आप देख सकते हैं हमने इसे बेल लिया है और इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं, इसे हमने मोटा ही रखा है। और अब हम इसे किसी ग्लास या कटोरी की मदद से गोल गोल कट करेंगे। तो हल्का सा हम नीचे की तरफ मैदा लगा लेंगे और अब इसे कट करेंगे। तो इसे हमने काट दिया है बिल्कुल इसी तरीके से, जितना भी डोनट तैयार हो आप इसे कट कर लीजिए। तो 4 डोनट्स तैयार हुए हैं और इतना आटा जो कटिंग के बाद बचा है इसका हम फिर से उसी तरीके से गोल बना लेंगे। और अब हमें किसी गोल ढक्कन या ऐसी चीज़ हो जो जिसकी गोलाई ये कम हो, होल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ढक्कन ले लिया है। तो अब हम इसे बीचों बीच रखेंगे और फिर कट लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे डोनट्स में कट लगा लेने हैं। और अब हम इन डोनट्स को किसी प्लेट में, नीचे हमने हल्का सा मैदा लगा दिया है प्लेट में, और इसमें रख देंगे। हमने प्लेट में डोनट्स को रख दिया है और बाकी के ये जो बचे हुए आटे हैं इन्हें भी हम, इनसे भी डोनट्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे तैयार कर लिए हैं डोनट्स को। यहाँ पे 6 डोनट्स तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से ढक के गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये थोड़े आटे जो है सॉफ्ट हो जाएँ और ये थोड़े स्पॉन्जी हो जाएं। तो इन्हें हम, चलिए, 2 से 3 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। उसके बाद हम इन्हें तलना शुरू करेंगे। तो गाइस 3 घंटे तक हमने अपने, आप देख सकते हैं हमने 3 घंटे के लिए अपने इस डोनट्स को रख दिया था गर्म जगह पे अच्छे से कवर करके, और ये काफ़ी ज़्यादा पहले से स्पॉन्जी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें तल लेंगे। तलने के लिए हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसे गैस पे चढ़ा दिया है। इसे हम ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इन्हें तलना शुरू करेंगे। इन्हें लो फ्लेम पे हमें तलना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। और जब आप तेल के अंदर इन डोनट्स को डालें तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो ये जो हमारे डोनट्स हैं ऊपर से काफ़ी जल्दी लाल हो जाएंगे। अगर आप इन डोनट्स को अंडा या फिर ईस्ट डाल के बना रहे हो तो ये काफ़ी जल्दी से इसमें खमीर आ जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे ना तो अंडा का इस्तेमाल किया है ना ही हमने यहाँ पे ईस्ट डाला है, तो इसलिए हमें इसे 3 घंटे के लिए रखना पड़ा था। थोड़ा समय तो लगता है लेकिन बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है ये डोनट्स। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम डोनट्स को तलना शुरू करेंगे। हम एक एक दो दो करके ही इन्हें तलेंगे। हमें बिल्कुल इसी तरीके से सारे डोनट्स को तल लेने हैं। फ्लेम को हम लो रख के ही इन्हें फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं। और इस तरीके से हमने सारे डोनट्स को तल लिया है। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो चॉकलेट को हमें डबल बॉयलर की सहायता से मेल्ट करना है। तो हमने एक बर्तन में पानी रख दिया है, ये गर्म हो रहा है पानी, और हमने चॉकलेट्स को तोड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। हमें दोनों को मेल्ट करना है। डबल बॉयलर की सहायता से हमने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। और अब हम इस व्हाइट चॉकलेट को अपने डोनट्स के ऊपर लगाएंगे। तो ये रहे हमारे डोनट्स और इन्हें हमें इस चॉकलेट में
बिल्कुल इस तरीके से लगा लेना है, एक ही साइड हमें इसे लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो डोनट्स हैं इनके ऊपर चॉकलेट अच्छे से लग चुके हैं। तो अब इन्हें हम प्लेट में रख लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें लगा लेने हैं डोनट्स पे चॉकलेट, और इसी तरीके से हमने इस चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है और इन्हें भी हम डोनट्स पे लगा देंगे। और यहाँ पे हमने दो डोनट्स को चॉकलेट ब्राउन और दो को हमने चॉकलेट वाइट किया है और दो को हमने बिल्कुल प्लेन रखा है, आप प्लेन भी खा सकते हो। तो अब हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो जिस डोनट्स पे हमने ब्राउन चॉकलेट लगाया है उसके ऊपर हम चम्मच की सहायता से वाइट चॉकलेट गिरा दिए हैं। आप किसी भी डिज़ाइन में किसी भी तरीके से इसे सजा सकते हो, आप कोन की सहायता से भी इन्हें डेकोरेट कर सकते हो। और ये जो हमारा वाइट है डोनट्स, इसके ऊपर हम ब्राउन लगा देंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इन डोनट्स को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। देखते हैं आपके बच्चों को कैसी लगती है हमारी ये रेसिपी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।